हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, कि ये होता क्या है और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। आइए फटाफट तो लिखेंगे सारे बच्चे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। जो मान लेते हैं एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। ये सेलर क्या करता है, बायर को सामान बेचता है, सीधा सा फंडा। तो सेलर ने क्या किया, बायर को गुड्स दिए, गुड्स बेचे, गुड्स सेल। अगर ये गुड्स सेल करता है तो इसको हमने, इस टर्म को हमने क्या नाम दिया, सेल नाम दे दिया। इमीडिएट ट्रांसफर होगा, इसने इसको क्या दे दिए, पैसे दे दिया, अमाउंट दे दिया हो या फिर क्रेडिट पे किया हो तो हम इसको सेल मान लेंगे, जो सेल हमारे कैश पे भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है, ठीक है, सीधा सा फंडा। लेकिन यहां पर मैं एक और बात कर रहा हूं, एक सेलर है, दोबारा एक सेलर है और एक बायर है। सेलर ने क्या किया, इसको गुड्स दिए, सेलर ने इसको गुड्स दिए कि भाई ये गुड्स ले। तो बायर शायद मना भी कर सकता है, नहीं भाई मुझे गुड्स की जरूरत नहीं है। लेकिन सेलर ने इसको जब गुड्स दिए, जब गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, तो वो ट्रांसफर करते टाइम इसके पास दो ऑप्शन दे देता है, पसंद आए तो रख लियो वरना फिर वापस कर दियो। तो सेलर ने बायर को क्या ऑप्शन दिया, रिटेन और रिटर्न का ऑप्शन दिया। जब सेलर बायर को ये दो ऑप्शन देगा तो बेटा इसी कंडीशन को, ये जो टर्म है, इसी टर्म को क्या बोला जाएगा, सेल ऑफ गुड्स। हमने सामान बेचा किस बेसिस पे, ऑन अप्रूवल पे, या तो रख ले और रिटर्न बेसिस पे। समझे मेरी बात? तो यहां पर ये पॉइंट अराइज हुआ कि अगर इमीडिएट सेल हो जाए तो भैया नॉर्मल सा सेल है, लेकिन अगर गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं दो ऑप्शन के साथ, रिटेन और रिटर्न बेसिस पर, तो ये क्या माना जाता, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया कि सर ये जो सेलर है ये दो ऑप्शन रखेगा ही क्यों, रिटर्न और रिटेन का ऑप्शन रखेगा क्यों? बेटा जब कोई बिजनेसमैन, मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है हमारे पास, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन चाहता क्या है, अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है। ये चाहता है यार मेरी सेल ना बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट ना बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए प्रॉफिट। तो इस केस में वो क्या करेगा, जितने भी बायर होंगे उनको वो एक लालच देगा कि भैया गुड्स पसंद आए तो रख लेना वरना वापस कर देना। तो बायर इस कंडीशन में वो गुड्स को लेना पसंद करेगा, तो वो गुड्स लेके जाएगा, यूज करेगा, ठीक लगा तो रख लेगा वरना वापस कर देगा, ठीक है। यहां पर बेटा बायर का मतलब कंज्यूमर की बात भी हो सकती है, लेकिन हम यहां पर बायर को कंज्यूमर ना मान के क्या मानेंगे, ये भी एक डीलर है जो दूसरे को सामान बेचता होगा। बात को समझे, ये भी एक डीलर जो दूसरे को सामान बेचता होगा। तो यहां पर बायर के दो नाम हो गए, एक तो फाइनल कंज्यूमर भी हो सकता है और दूसरा जो ज्यादा चांसेस क्या है, वो कंज्यूमर है, जो वो डीलर है जो सामान को आगे बेचेगा। तभी तो उसने क्या बोला, भैया तू सामान ले जा, तेरे को पसंद आए तो रख लियो वरना वापस कर दियो। ऐसे वो आगे बेचेगा, अगर उसको सामान बिक रहा होगा तो वो रख लेगा सारा सामान, वरना वो वापस कर देगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां पर ये सेल का फंडा है, जो सेल ऑफ अप्रूवल गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ टर्म्स लिखते हैं, आइए फटाफट से मेरे साथ लिखेंगे कुछ पार्ट्स, इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग सारे। फर्स्ट लिखेंगे व्हेन अ बिजनेसमैन वांट्स टू इंक्रीज हिज सेल और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट देन ही सेंड गुड्स टू अ कस्टमर कस्टमर ऑन
सेल और रिटर्न बेसिस। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट्स मीन्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर विथ द ऑप्शन ऑफ रिटेन और रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये इसके मीनिंग थे जो मैंने आपको डायग्राम में भी समझाए कि क्या करता है वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए बायर को एक ऑप्शन देता है कि भैया सामान रख लियो या वापस कर दियो, मैं तेरे को पसंद आया तो रख लियो वरना वापस कर दियो, उसी को सेल एंड अप्रूवल बेसिस कहते हैं। तो मैंने उसके बेस पे 2 पॉइंट करवा दिए। ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी है। तो आइए फटाफट इसके अकाउंटिंग सीखते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन बिजनेस सेंड द गुड्स, जब किसी बिजनेस में गुड्स को भेजा जाता है। गुड्स कैसे भेजेंगे वो देखो बेटा, बिजनेस के अंदर ना गुड्स भेजे जाते हैं 3 तरीके से। ठीक है, पहला तरीका क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वो देखेंगे हम। तो देखेंगे 3 तरीके कौन कौन से है। सबसे पहला कैजुअली वे, दूसरा फ्रीक्वेंटली, तीसरा न्यूमरसली। बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाला टॉपिक आता है जिसके ही 98% होते हैं आने के चांसेस। ओके, लेकिन हम करेंगे तीनों ही टॉपिक, देखेंगे फटाफट। अब कैजुअली के बारे में कुछ लिखेंगे बेटा, कैजुअली को ऑर्डिनरी सेल की तरह ट्रीट करा जाता है, तो लिख देते ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। जैसे नॉर्मल सेल होती है वैसे इसको मान सकते हैं हम। इसकी एंट्री हम सीखेंगे क्या होती है। तो इसका दूसरा नाम है क्या, ऑर्डिनरी सेल। इसको हम ऑर्डिनरी सेल के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्रीक्वेंटली। बेटा फ्रीक्वेंटली का दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं मल्टी कॉलम जर्नल मेथड। हम बच्चों इसको मल्टी कॉलम जर्नल मेथड भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं हम इसको बेटा, जब ये फ्रीक्वेंटली सामान भेजा जाता तब इसके अंदर 4 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला कॉलम कौन सा बनता है वो देखते हैं। पहला कॉलम बनता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ये बच्चों इसका फर्स्ट कॉलम बनता है। सेकंड कॉलम इसमें बनता है गुड्स रिटर्न। थर्ड कॉलम बनता है बच्चों इसके अंदर गुड्स अप्रूव्ड, और फोर्थ कॉलम बनता है बैलेंस का। तो बच्चों इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंटली और मल्टी कॉलम जर्नल मेथड। इसके अंदर क्या है, एक स्टोर लेजर जैसी चीज बनेगी जिसके अंदर यह बताया जाएगा कितना सामान भेजा है अप्रूवल के लिए, कितना वापस आ गया है, कितना उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है और अभी भी कितना बचा हुआ है। समझ गए मेरी बात। आइए फटाफट से अब न्यूमेरसली की बात करते हैं। न्यूमेरसली बेटा इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सेपरेट डे बुक मेथड। इसको हम सेपरेट डे बुक मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ अलग से डे बुक बनते हैं, जैसे कि सेल और रिटर्न अकाउंट समझ लो और सेल और रिटर्न बुक समझ लो। ठीक है, तो बच्चों हमें इसके अंदर ये सब चीजें पढ़नी है। तो आइए फटाफट से पहले हम डिस्कस करते हैं कैजुअल के बारे में। तो फटाफट लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल एंट्री किसकी देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड की। व्हेन बिजनेस सेंट गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूँ, ओरिजिनल सेल्स मेथड। ठीक है, तो आइए फटाफट जनरल एंट्री देखते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, वो देखेंगे सारे।
बेटा मानते हैं ये डेट है 1 अप्रैल 2016, ये डेट है 31 मार्च 2017, और ये डेट है 1 मई 2017। ओके, इस दिन मैंने सामान बेचा है, सेल किया है, किस बेस पर? रिटर्न बेसिस पर, सेल और रिटर्न बेसिस पर, ठीक है। अब इसका जो टाइम पीरियड मैंने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट सेट किया है, ये वाला पॉइंट, यह है मेरा स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। ओके, अब मैंने जो टाइम लिमिट सेट करी है, मुझे ये देखना है अगर वो गुड्स इस दिन वापस करता है तो क्या करना है, अगर वो गुड्स इस पूरे के बीच में वापस कर देता है तो क्या करना है, अगर वो इसके बाद बुक क्लोज होती है उसके बाद वापस करता है तो क्या करना है, बुक क्लोज होने से पहले वापस करता तो क्या करना है, उसके बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से लिखते हैं हम फर्स्ट, और मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट लिखवाया, क्या बताया कि जो फर्स्ट मेथड है हमारा उसको हम ऑर्डिनरी सेल्स मेथड भी बोलते हैं, और साथ में क्या लिखा है, व्हेन द ट्रांजेक्शन आर फ्यू द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वी ट्रीट एज अ ऑर्डिनरी सेल। और ऑर्डिनरी सेल क्या होती है, जैसे नॉर्मल सेल करते हैं, कैश सेल करेंगे तो कैश टू सेल, क्रेडिट सेल करेंगे तो डेबिट टू सेल, ठीक है। तो हमें भी यहां पर वही ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। तो इस केस में मैं मानता हूं कैश प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये, प्लस प्रॉफिट मान लेते हैं 10 रुपये, गुड्स की कीमत होगी आईपी होगी 110 रुपये, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा वो देखेंगे। फर्स्ट, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अगर वो सामान भेजता है, क्यों अप्रूवल उसमें रिटर्न बेस में भेजता है, तो हमने क्या मानी, सेल करी एक्चुअल में। तो हम सेल की क्या एंट्री पास करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। ओके, अब यहां पर अमाउंट कौन सा आएगा, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या आईपी? बेटा जब भी हम किसी दूसरे को सामान बेचते हमेशा आईपी पे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां लिख रहा हूं 110, और साथ में यहां लिख देता हूं इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इस रूल में प्रॉब्लम है तो मैं यहां लिख देता हूं, जब एसेट इन तो डेबिट साइड, जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये एंट्री पास करी, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, अब मैं ये बोलना चाहता हूं दूसरे वाले पॉइंट में, व्हेन गुड्स आर रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, इसका मतलब उसने हमारे इस साल के दौरान, ये जो हमारा ये ईयर है और उसका जो टाइम पीरियड है, उसने इसी साल में गुड्स को वापस कर दिया, टाइम पीरियड के होते होते उसने गुड्स को वापस कर दिया इस दौरान के बीच में, ठीक है, इस पीरियड के दौरान की बात कर रहा हूं, कर दिया। तो हम यहां क्या लिखेंगे, अब हमारा क्या हुआ, सेल कम होगी, तो मैं इसको इधर सेल भी लिख सकता हूं या फिर सेल्स रिटर्न भी लिख सकता हूं, या तो आप लिखना चाहो तो रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ओके। अमाउंट क्या आ गया यहां पर, अगर 110 का सामान लिया है तो 110 का सामान, ये भी आईपी पर, क्लियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड देखेंगे, व्हेन गुड्स आर स्टिल लाइंग विद कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर ईयर बट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट हैज
नॉट एक्सपायर। वो समझे मेरी बात? इसका मतलब ये कहना है कि गुड्स अभी भी किसके पास है, कस्टमर के पास है, लेकिन जो साल खत्म हुआ और लेकिन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट अभी भी एक्सपायर नहीं हुई। इसका मतलब इस डायग्राम पे अगर मैं आऊं, यहां पर मेरा क्या खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है, टाइम पीरियड मेरा यहाँ खत्म हो रहा है। तो हमारे यहां पर अभी तक गुड्स का कुछ नहीं पता क्योंकि टाइम लिमिट अभी बचा हुआ है। तो इस केस में जब हमें बुक क्लोज करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उसने सामान वापस कर दिया, हम मान लेंगे सेल को कैंसिल कर देंगे। तो यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, सेल इज कैंसल्ड, हम सेल को कैंसिल मान लेंगे। कैसे? देखो अभी मैंने ऊपर लिखाया था आपको ये पॉइंट, जब ओरिजिनल सेल, इफ ऑल एट द ईयर गुड्स आर स्टिल लाइंग विद कस्टमर, द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज नॉट एट एक्सपायर, द ओरिजिनल एंट्री फॉर सेल इज कैंसल्ड। तो हमने भी वही किया, यहां पर इसकी एंट्री को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और अमाउंट यहां पर भी कितना आएगा, अगर आईपी पे है तो आईपी ही लिखेंगे। क्लियर पॉइंट? साथ के साथ मैंने यहां पर एक और चीज लिखवाई है आपको, व्हेन ऑर्डिनरी क्लोजिंग स्टॉक द गुड्स आर स्टिल लाइंग विद कस्टमर, द वैल्यू जो कॉस्ट और नेट रिजल्ट जो कम होगी उसको लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। फोर्थ एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, हम क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज करने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पर अमाउंट कितना आएगा? 100 रुपये, जो हमारे उधर की कॉस्ट प्राइस थी। मैं यहां लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इन दोनों में से जो कम होगा वो आएगा। तो यहां तक बात समझे? तो हमने क्या सीखा, यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम दोबारा बना देता हूं। ये मेरा 1/4/2013 मान लेते हैं, 31 मार्च 2000 इसको 14 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 जुलाई 2014। ठीक है, हमने क्या किया, इसी बीच के दौरान सेल करी, अगर सेल्स रिटर्न हुई तो भी हम एंट्री पास कर देंगे, अगर टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट है हमारा अगर टाइम लिमिट या स्पेसिफाइड टाइम बुक क्लोज होने के कुछ दिन के बाद है लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम इस दिन क्या कर देंगे, जो भी सेल कर रही थी उसको कैंसिल कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ एंट्री आप लोगों को करनी है। ठीक है, अब इससे हटके मैं आपको दो एंट्री सिखा रहा हूं, वो देखेंगे ध्यान से आप। आओ बच्चों देखो फटाफट से। हम मान लेते हैं कि वैसे आपको पता है मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपए की, प्लस प्रॉफिट कितने का था, 10 रुपए का। इनवॉइस प्राइस कितनी थी, 110 रुपए की। बेटा छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना आप। जो कस्टमर है मतलब ट्रेड रिसीवेबल, यहां पर भी कस्टमर, कस्टमर एक्सेप्ट गुड्स अबव इनवॉइस प्राइस, तो क्या करेंगे एंट्री, कस्टमर एक्सेप्ट गुड्स बिलो इनवॉइस प्राइस, तो क्या करेंगे, बात को समझो बेटा। अगर कस्टमर ने आईपी से ज्यादा पे लिया, अबव आईपी करता, आईपी कितना है 110 और इसने करा एक्सेप्ट 120 में, ओके यहां पर आईपी 110 और इसने एक्सेप्ट किया 100 में, तो क्या हुआ, इधर मुझे 10 रुपए की सेल बढ़ गई, तो मैं यहां पर एंट्री पास करूंगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल,
कि 10 रुपए से मेरा कस्टमर बढ़ गया और यहां मेरा 10 रुपए से कस्टमर गिर गया, तो सेल टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब आप लोगों को ये लग रहा हो कि सर ऐसा कह सकता आईपी से ज्यादा ले, बेटा इसके चांस ना बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर इसके हो सकते हैं। मैंने जो रेट बोला उसने कहा भाई मैं इतना तो नहीं दूंगा, कम दूंगा, तो ये होगा इसके बस बुक की बात है कि हाँ हो सकता है। कभी कभी कोई बंदा ग्राहक जो होता है वो सामान लेके जाता, रेट नहीं पूछा, बाद में पूछता रेट कितना, मैं लालच में आके बोलता नहीं भाई इतने का, कि मेरे को पता है बार्गेनिंग करके वो मेरी आईपी पे तो आ सकता है, बार्गेनिंग कर ली तो ठीक, नहीं करा तो मैंने ज्यादा बेच दिया। क्लियर पॉइंट। तो ये कुछ एंट्री है जिस बेस पे आपकी ऑर्डिनरी सेल मेथड खत्म होता है। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आइए फटाफट से एग्जाम्पल को करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं हम, जितने जनरल एंट्री मैंने सीखी है उसके ऊपर। तो आइए फटाफट देखते हैं एग्जाम्पल को, देखेंगे। कह रहा है डीजे लिमिटेड सेंड आउट गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कस्टमर्स के पास दो ऑप्शन है, रिटर्न करने का, रिटेन करने का, कितने में, विद इन अ मंथ, ओके, एक महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन मार्च और अप्रैल की है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 5 मार्च को हमने सामान बेचा है, भेजा है, तो मतलब ये कब एक्सपायर होगा, ये करीबन एक्सपायर होगा 5 मार्च से, आप पकड़ सकते हो 5 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा। 10 मार्च का ये 5 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, फिर 10 मार्च में रिटर्न कर दिया, 15 मार्च का ये है, और ये 2 अप्रैल को ये रिटर्न किया, ये सब ट्रांजेक्शन उन्होंने कर रखी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या ट्रांजेक्शन का। तो हमने देखा 5 मार्च को सेंट आउट गुड्स टू फॉलोइंग कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 25% ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उस पर प्रॉफिट कितने रुपए हुआ, 100 रुपए का 25% कितना हो गया मेरा, परसेंट कितने रुपए हो गए, 25 रुपए। तो ये हो गया हमारा 125 रुपए, ठीक है। तो ये आईपी हो गया। अब बेटा इसके बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्ड करनी है हमें ऑर्डिनरी सेल मेथड के अकॉर्डिंग और जनरल एंट्री पास करनी, ठीक है। तो आइए फटाफट से डायग्रामेटिक फॉर्म, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, मैं देखेंगे फटाफट से। तो मान लेते हैं साल हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल, यहां पर बेटा डेट पकड़ लेते हैं हम 1 मार्च 2014, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कब हुई, 5 मार्च 2014। इस दिन क्या हुआ, हमने गुड्स भेजे, किस किस को, ए को भेजे हैं 20 गुड्स, बी को भेजे हैं 10 यूनिट, सी को भेजे हैं 32 यूनिट, और डी को भेजे हमने 24 यूनिट, ठीक है। उसके बाद डेट आई हमारी 10 मार्च की, 10 मार्च को ए ने क्या कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए, और जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने का, मतलब अगर एक महीना टाइम पीरियड, मतलब अगर यहां पर ट्रांजेक्शन शुरू हो रही है तो यहां से अगर 1 महीना मैं लेके चलूंगा तो अप्रैल की 5 तारीख को मेरा पूरा 1 महीना खत्म हो गया। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कितना था मेरा, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट 1 महीने का था, फॉर 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने का टाइम लिमिट था, ओके। बेटा अगली डेट क्या आई, 15 मार्च 2014 की डेट आई, जिस दिन क्या हुआ, बी ने एक्सेप्ट करिए गुड्स, लेकिन किस पे, बिलो, बिलो किस पे, आईपी पर, बिलो आईपी मतलब 115 पर। और गुड्स की आईपी क्या थी, मैं यहां लिख रहा हूं, कॉस्ट था 100, प्रॉफिट उसके ऊपर था 25, और आईपी था हमारा 125। क्लियर। अच्छा, उसके बाद 2 अप्रैल 2014 को यहां पर क्या हुआ, सी ने गुड्स रिटर्न कर दिए, और यहां पर 4 अप्रैल 2014 को डी ने गुड्स एक्सेप्ट किए। तो बस बेटा हमें इसी की एंट्री पास करनी है पूरे ट्रांजैक्शंस की, क्या क्या एंट्री पास होगी देखेंगे। सबसे फर्स्ट डेट पे हमें सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, सेकंड डेट पे रिटर्न की एंट्री पास करनी पड़ेगी, थर्ड डेट पे एक्सेप्ट की कोई भी एंट्री पास नहीं होती, बट इसके अंदर क्या है,
15 को उसने आईपी से कम पे लिया है, तो हमारा जो डेटर 10 रुपए से कम हो गया, हमें बस उसी की एंट्री शो करनी है यहाँ पर, ठीक है। 31 तारीख हमारी बुक जिस दिन क्लोज हो रही है, अगर उस दिन कुछ सामान अभी भी डेटर का पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसके ओरिजिनल एंट्री को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेल की एक एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी और हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर इसी को मैं अगले साल कंटिन्यू करूं तो 1 तारीख को मुझे इसी की रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, इसी की रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, फिर गुड्स रिटर्न कर दिए, रिटर्न की एंट्री होगी और इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्लियर पॉइंट। तो फटाफट से देखेंगे, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। यहां लिखते हैं हम जर्नल ऑफ डीजी लिमिटेड, तो यहां फटाफट से बनाते हैं हम जर्नल एंट्री के लिए। डेट, ट्रांजैक्शंस और डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। आइए बच्चों, फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से हम। सबसे पहले 5 अप्रैल को उसने क्या किया, गुड्स भेजे हैं किस किस के, ए के 20 यूनिट, बी के 10 यूनिट, सी को 32 यूनिट, डी को 24 यूनिट। तो मैं यहां लिख लेता हूं, तो अगर पहले मैं सेल करूंगा तो कब करूंगा, 5 मार्च सन 2014 को मैंने सेल करी, तो मेरी एंट्री क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, जनरेशन क्या लिख दी, बीइंग द गुड्स सेंड टू कस्टमर, कस्टमर कौन कौन है, ए बी सी एंड डी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वर्किंग नोट भी इसका शो कर देता हूँ, वर्किंग नोट देखेंगे, ए के कितने थे, कितने गुड्स हम देख लेते फटाफट से, ए के है 20, बी के है 10, ए के है 20 यूनिट, बी के है 10, सी के है 32 और डी के है 24। टोटल मिला के कितने गुड्स हो गए हमारे, 6 3 2 5 2 7 1 8, 86 यूनिट हमने भेजे हैं और हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज, जिससे 25% का प्रॉफिट, तो इनटू 125। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते, देखेंगे 86 मल्टीप्लाई 125, तो हमने 10,750 के हमने गुड्स को भेजा है, तो यहाँ लिख देंगे 10750, 10750, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये डेट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 10 मार्च को ए ने गुड्स वापस कर दिए, तो बेटा देखो विद इन लिमिट उसने वापस कर दिए, तो यहां क्या लिखेंगे, 10 मार्च 2014 रिटर्न कर दिए, तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय ए, ओके। तो कितने के, ए ने कर दिए रिटर्न, तो ए के हिसाब से कितना हो गया, 125 × 20, 2500 का उसने गुड्स वापस कर दिया ए ने, तो यहां पर एंट्री में कितना लिख देंगे हम, 2500 रुपये, ठीक है। ये हमारी दो डेट कंप्लीट होगी, नेक्स्ट डेट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डेट क्या है हमारी, 15 मार्च, 15
15 मार्च को रिसीव्ड लेटर फॉर अप्रूवल फ्रॉम बी एक्सेप्टिंग द गुड्स ऑफ रुपीज 115 ईच टू विच द सेलर एग्रीड। यहां पर बेटा देखो क्या कह रहा है, वो पॉइंट को समझना। यहां वो कह रहा है कि जितने का भी गुड्स भेजा था उसने एक्सेप्ट कितने में किया है, 15 रुपए में। तो यहां पर हम 15 मार्च 2014 को उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। बेटा देखो नोट लिखवा रहा हूं, नोट, देयर इज नो एंट्री फॉर गुड्स एक्सेप्टेड। गुड्स एक्सेप्ट करने की कोई भी एंट्री पास नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां पर गुड्स एक्सेप्ट कितने में कर रहा है वो, एक गुड्स की कीमत कितनी थी, बी के हिसाब से गुड्स की कीमत होनी चाहिए 1250 रुपए, 125 रुपए का एक, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है कितने में, 115 रुपए में। इसका मतलब बिलो सेलिंग प्राइस, मतलब बिलो इनवॉइस प्राइस। तो मैं यहां लिखूं कि बी एक्सेप्ट गुड्स बिलो आईपी, तो इससे हमारा जो डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है, वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। हमने 125 से इसको बढ़ाया होगा, लेकिन यहां पर वो डिक्रीज हो गया। तो यहां पर एक इंक्रीज तो हुआ नहीं, वो डिक्रीज हो गया। कितने से, 125 का हमने बोला था, 115 का वो एक्सेप्ट कर रहा है, 10 रुपए से हमारा डिक्रीज हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए, हम यहां कर देंगे 10 इंटू बी के कितने गुड्स है वो देख लेंगे 10, तो 10 × 10 रुपीज, 100 रुपए से हमारा बी कम हो गया। और यहां एंट्री में लिख देंगे बी गुड्स एक्सेप्ट बाय बी बिलो इनवॉइस प्राइस, या फिर लिख सकते हैं बाय बी एट रुपीज 115, खत्म, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगला देखते हैं फटाफट से, अगली डेट को क्या कांड हुआ है। तो बेटा 15 तारीख को एक्सेप्ट हो गया, 2 अप्रैल को गुड्स रिटर्न बाय सी, 2 तारीख को गुड्स सी, जो 2 तारीख को कौन रिटर्न कर रहा है, सी गुड्स को रिटर्न कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे बेटा, मार्च का महीना खत्म होगा 31 तारीख को, तो हमारा 15 तारीख आ चुका और 2 तारीख को वापस कर रहा है। तो मैंने बताया था अगर टाइम पीरियड अभी भी बचा हुआ है, अगर स्पेसिफिक टाइम लिमिट अभी भी अवेलेबल है, तो हम सारे ऑर्डिनरी सेल को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे हम 31 मार्च 2014, सबसे पहले सारे गुड्स की कैंसिल कर देंगे, एक्सेप्ट ए को छोड़कर, ए ने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स सारे, बी को छोड़कर बी ने एक्सेप्ट कर लिए, सी और डी की सारी एंट्रियां क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फटाफट से एंट्री करते हैं कैंसिल की, सेल खत्म, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो यहां नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो किस किस का है, यहां पर सी और डी का है। यहां पर अमाउंट देख लेते कितना है सी और डी का, बेटा सी का 32 यूनिट थे 125 के हिसाब से, और इसका भी 125 के हिसाब से। तो देख लेते हैं 32 × 125, 4000 रुपये इसके कैंसिल हो गए, और 24 × 125, 3000 इसके कैंसिल हो गए। तो टोटल बच्चों 7000 रुपये की हमें एंट्री करनी पड़ेगी, कैंसिलेशन की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फटाफट से, तो यहाँ लिख देंगे 7000 रुपीज। और साथ में मैंने ये बताया था ये गुड्स किसके पास है, कस्टमर के पास है। तो कस्टमर के पास हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंटरी की एंट्री का पास करनी पड़ेगी। 31 मार्च 2014, इन्वेंटरी विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग
being cost of goods lying with customer. अब देखते कितने का था हमारे पास बेटा, देखेंगे सारे, हमें पता 100 रुपए का आइटम था तो यहाँ पर कितने गुड्स है, 32 गुड्स है, बी के सी के 32 गुड्स है और डी के 24 गुड्स है, तो टोटल कितना हो गया, 32 और 24 56, 56 इंटू 100, 5600 रुपये के हमारे गुड्स कस्टमर के पास है। क्लियर होगी बात। ये एंट्रियाँ थी 31 मार्च 2014 की एंट्री थी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पॉइंट खत्म होता है, क्या पॉइंट था हमारा कि इस डेट तक हमें बुक क्लोज करनी है 31 मार्च तक, तो उस दिन तक क्या एंट्री होगी 31 मार्च 2014 तक। अब बात करेंगे अप्रैल की, इसने गुड्स रिटर्न कर दिए उसका क्या होगा, 4 तारीख को इंटीमेशन दी है उसका क्या होगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से, अगर मैं यहां पर अप्रैल की भी ट्रांजैक्शन करता तो क्या करता बेटा, सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को मुझे जो मैंने सेल कैंसिल करी थी मुझे उसको वापस सेल दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए से कैंसिल किया था, 7000 से बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि क्वेश्चन में क्या बोला वो देख लो, उसने 2 तारीख को वापस कर दिए और 4 तारीख को बोला मैं रख लूंगा, डी कहता, तो यहां देख लेते फटाफट से, तो 2 अप्रैल 2014 को उसने क्या किया, गुड्स वापस कर दिए, किसने, सी ने, तो वापस करने की क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपए, वो यहां पर कैलकुलेट कर ले तो साइड में 32 × 125, 4000 रुपए के गुड्स सी ने वापस कर दिए, तो यहां लिख देंगे 4000। तो यहां लिख देंगे हम नरेशन में, अगर लिखना हो तो नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रिवर्सल ऑफ 31 मार्च 2014, और यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सी। अच्छा, 4 तारीख को इंटीमेशन दी है बेटा, जब इंटीमेशन दी है उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि यहां पर क्या हो गया है, हमने पहले से एंट्री सेल ही कर रखी है। तो यहां लिख देता हूं एक और नोट, देयर इज नो एंट्री फॉर गुड्स एक्सेप्टेंस, क्लियर पॉइंट बेटा। आइए बच्चों अब हम सेकंड मेथड सीखते हैं, फर्स्ट मेथड क्लियर होगा सबको। तो सेकंड मेथड क्या था हमारा, व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, मतलब सामान कैसे भेजा जा रहा है, फ्रीक्वेंटली भेज रहे हैं, किस बेसिस पर, सेल और रिटर्न बेसिस पर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट ये बताऊंगा, व्हेन देयर आर फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन, फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन बट नॉट मैनी, सो वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस ऑन सेपरेट रजिस्टर, हम एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, और उस रजिस्टर का नाम क्या है, मल्टी कॉलम सेल्स और रिटर्न जर्नल। और मैंने जब आपको स्टार्ट करवाया था चार्ट, मैंने ये भी बताया था इसका दूसरा नाम क्या है, मल्टी कॉलम जर्नल, ओके।
आगे बढ़ते फटाफट से इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम। इसे बेटा चार कॉलम बनेंगे, मल्टी कॉलम से समझ रहे होंगे आप लोग कि चार कॉलम बनेंगे इसके अंदर। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं फटाफट, सबसे पहले आएगा कितना सामान भेजा, तो लिख देंगे गुड सेंट ऑन अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। फिर कितना सामान रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न्ड। तीसरा कितना अप्रूव किया, तो यहां पर अप्रूव भी लिख सकते हो और गुड्स रिटेन भी लिख सकते हो, ठीक है। चौथा बैलेंस, जो बच गया उनका क्या किया। तो इधर सबसे पहले बनेगा हमारा एक कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और यहां पर आप सिर्फ पर्टिकुलर और पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर सिर्फ आप बैलेंस लिख के छोड़ सकते हैं, अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो फटाफट लिखते हैं अब हम डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैं लिख देता हूं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट, सॉरी यहां लिख देता हूं सीधा अमाउंट, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये कहानी हो गई आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हम थर्ड मेथड को पढ़ते हैं, थर्ड मेथड और इसका मैं क्वेश्चन इकट्ठे करवाऊंगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट मेथड की तरफ, मेथड नंबर थर्ड लिखेंगे। मेथड नंबर थर्ड, व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स न्यूमरसली न्यूमरसली ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। यहां पर भी वही है कि सामान कैसे भेजा, नंबर्स में जाना, बहुत सारे सामान भेजे जा रहे, तो इस केस में वी प्रिपेयर सेपरेट डे बुक, हम एक सेपरेट डे बुक बनाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये भी है कि सेपरेट डे बुक मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा, फर्स्ट सेल ऑन अप्रूवल डे बुक, बेटा सेकंड बनता है इसमें रिटर्न इनवर्ड डे बुक, ओके। बेटा थर्ड बनता है इसके अंदर सेल और रिटर्न, ठीक है। ये तीन चीजें बनती है। अब मैं तीनों को फॉर्मेट बताता हूं और साथ के साथ बताऊंगा करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सेल ऑन अप्रूवल डे बुक। बेटा इस वाले बुक में हमें क्या करना है वो देखेंगे। कॉलम बनाएंगे हम डेट पर्टिकुलर अमाउंट का, ओके। बेटा यहां पर वो बातें लिखनी है जो गुड्स भेजे गए हैं, सेंड किए गए हैं, किए गए हैं अप्रूवल के लिए। बात को समझे, बस यहां पर क्या आ जाएगा डेट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा इसका अमाउंट। बस इस अकाउंट में वही बातें लिखनी है जो सिर्फ सेल फॉर अप्रूवल के लिए भेजा गया है गुड्स। मान लेते एग्जांपल के तौर पे 10,000 के गुड्स हमने भेजे हैं किस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए, भाई पसंद आए तो रख लियो वरना वापस कर दियो। तो अभी हमें ये नहीं बोलना कि पसंद आए तो रख लियो वापस कर दियो, बस हमने 10,000 का सामान भेजा तो उठा के लिख देंगे 10,000 पे, जिसको भेजा वो नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट अकाउंट हमारा सेल ऑन अप्रूवल डे बुक का, ओके। सेकेंड बनेगा रिटर्न
इनवर्ड डे बुक। बेटा इसमें क्या करेंगे देखेंगे, फटाफट कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर रिटर्न्ड और रिटेन्ड। बात को समझना बेटा, डेट पर्टिकुलर कितना वापस कर दिया रिटर्न्ड और कितना रख लिया रिटेन्ड, या तो यहां पर सेल भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये आपका है रिटर्न इनवर्ड डे बुक। ठीक है, तो इसमें कितने कॉलम बने, चार। अब तीसरा क्या बनेगा, सेल और रिटर्न अकाउंट, ये कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके लिख देते हैं फटाफट से हम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जितना सेल किया उसको उठा के यहां लिख देंगे, मतलब सेल ऑन अप्रूवल किया उसको उठा के यहां लिख देंगे। ठीक है, जितना रिटर्न किया वो यहां लिखेंगे, जितनी सेल हुई वो यहां लिखेंगे, जितना बैलेंस बच गया वो यहां लिखेंगे। तो अगर मैं बात समझाऊं आप लोगों को, ये जो फर्स्ट वाला अकाउंट है इसका जो भी टोटल निकलेगा, इसका टोटल उसको हम कहाँ लिखेंगे, सेल और रिटर्न के क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, और यहां पर जितना रिटर्न का टोटल है उसको हम लिखेंगे रिटर्न में, जितना यहां पर सेल का मतलब रिटेन्ड का टोटल है उसको लिखेंगे सेल में, बाकी बच जाएगा वो बैलेंस दिखेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले अकाउंट को और इस वाले अकाउंट को और ऊपर वाले अकाउंट को, मतलब इन दोनों डे बुक को हम मर्ज कर देंगे। फटाफट से बच्चों एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, मिस्टर ए सप्लाइज गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यहां लिखते हैं डेट, पार्टी नेम, किस किस को भेजा है सामान, कितने का सामान भेजा, अमाउंट, और हुआ क्या उन सामानों का। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले सामान भेजा है 10 मार्च 2014 को एक्स कंपनी को 10,000 रुपये का, और इसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, नो इंटीमेशन टिल 31 मार्च 2014। फिर बेटा सामान भेजा है 12 मार्च 2014 को, किसको, वाई कंपनी को, 15,000 रुपये का, और इसने रिटर्न ऑन 16 मार्च 2014। फिर भेजा है 15 मार्च को, किसको, डब्ल्यू कंपनी को, डब्ल्यू कंपनी को, कितने का, 12,000 रुपये का। गुड्स वर्थ रुपीज 2,000 रिटर्न्ड एज ऑन 20th मार्च 2014, उसने 20 तारीख को सामान लौटा दिया है, कितने का, 2,000 को, तो इसका मतलब 12 में से 2,000 का लौटा दिया, तो 10,000 का क्या होगा, होगा रख लिया होगा उसने। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, 20 मार्च 2014 वाई कंपनी को 16,000 का सामान भेजा, गुड्स रिटेन, अब उसने रख लिया रिटेन्ड ऑन 23 मार्च 2014। फिर
फिर दोबारा 25 मार्च 2014 को एक्स कंपनी 11,000 का सामान दिया, इसने भी गुड्स रिटेन कर लिए ऑन 28 मार्च 2014। 30 मार्च 2014 डब्ल्यू कंपनी 13,000 का सामान दिया, नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2014। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे क्वेश्चन में। आगे कहता वो, गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच फॉलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। ट्रीटेड एज सेल, ठीक है। बुक क्लोजर 31 मार्च को। प्रिपेयर क्या करना है? फर्स्ट प्रिपेयर करना है हमें गुड्स ऑन सेल और रिटर्न के अंदर सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बनाना है। रिटर्न डे बुक बनानी है। दूसरा बच्चों हमें बनाना है गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना, ठीक है बेटा। तो बच्चों ये आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले मैं थर्ड मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट हम बच्चों का पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेते। क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर? वो कहता कुछ गुड्स सप्लाई हुए हैं कब? 10 मार्च को एक्स कंपनी को 10,000 का गुड्स भेजा गया, उसने 31 मार्च तक कोई खबर नहीं दी। 12 मार्च को वाई कंपनी को 15,000 का सामान दिया, उसने 16 को वापस कर दिया। 15 मार्च को डब्ल्यू कंपनी को 12,000 का सामान दिया, जिसमें से 2,000 का वापस कर दिया, बाकी रख लिया होगा। 20 मार्च को वाई कंपनी को 16,000 का सामान दिया, जिसने उसने रख लिया 23 मार्च तक। एक्स कंपनी को 25 मार्च को सामान 11,000 का दिया, उसने भी रख लिया 28 मार्च तक। डब्ल्यू कंपनी को 13,000 का सामान भेजा, उसने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कह रहा है अगर 15 दिन के अंदर अंदर ने गुड्स नहीं लौटा है तो हम उसको क्या मान लेंगे? सेल मान लेंगे। तो 10 मार्च का 15 दिन कब होता है? 15 दिन बोलोगे तो 25 मार्च तक। अगर इस दिन तक उसने कुछ नहीं बोला, अब वो कह रहा है यहां पर 31 मार्च तक कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब हमने इसको क्या मान लिया? सेल। ओके, इसके 15 दिन जवाब दे दिया। इसने 30 का है, इसका 15 दिन अप्रैल में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसको करते हैं फटाफट से। आइए देखेंगे बच्चे, सबसे पहले मैं यहां बना रहा हूं सॉल्यूशन के तौर पे। बेटा मैंने आपको यहां पर दो अकाउंट बनाए थे, आइए एक बार देखते हैं अकाउंट को। मैंने यहां पर सबसे पहले आपको बनाया सेल ऑन अप्रूवल डेबिट साइड में, जो हम सिर्फ क्या करते हैं अप्रूवल में जो भेजा गया वो लिखते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको बताया रिटर्न इनवर्ड वाला, इसमें रिटर्न और रिटेन्ड की बात होगी। बेटा मैं इन दोनों बुक्स को कंबाइन करके काम करूंगा, देखेंगे किस तरीके से कंबाइन होता है। तो बेटा लिखेंगे फटाफट से सॉल्यूशन के तौर पे, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न, यहां पर डे बुक बन रही है, डे बुक। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनेगा डेट का कॉलम, फिर बनेगा कितने को सामान भेजा गया, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा डेट, कितने रख लिए, कितने वापस कर लिए। बस तो यहां लिखते हैं फटाफट हम डेट, पार्टी टू होम गुड्स सेट, ठीक है। यहां आएगा अमाउंट, यहां फिर आएगी डेट, यहां आएगा सेल या रिटेन्ड, यहां आएगा रिटर्न्ड।
बस बेटा ये मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। डेबिट में वो बातें लिखेंगे जितने को सामान भेजा गया, और रिटर्न इनवर्ड में हमने पढ़ा था या तो वहां पर रखने की बात चलेगी या तो वहां पर वापस देने की बात चलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को देखते हैं। इस केस में हम क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तो सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन, 10 मार्च को एक्स को सामान भेजा 10,000 रुपए का, आओ फटाफट। तो क्या लिखेंगे, 10 मार्च 2014 को किसको सामान भेजा, एक्स को। तो लिखेंगे यहां पर एक्स कंपनी को कितने का, दस हजार रुपये का। उसने 31 मार्च तक कोई भी सलाह नहीं दी तो छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, 12 मार्च को वाई को सामान दिया, ठीक है, कितने का, 15,000 रुपये का। तो यहां लिखेंगे 12 मार्च को वाई कंपनी को सामान दिया, कितने का, 15,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, 15 मार्च को डब्ल्यू को सामान दिया 12,000 रुपये का। ठीक है जी, 15 मार्च को डब्ल्यू कंपनी को सामान दिया 12,000 रुपये का। अब 15 का अगली डेट कौन सी है, 16 तारीख की। आइए देखते हैं, 16 तारीख को इसने गुड्स रिटर्न कर दिया 15,000 रुपये के। तो यहां क्या लिखेंगे, 16 मार्च 2014 कितना रिटर्न कर दिया, 15,000 का रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम। मैं यहां पर एक और कॉलम बना देता हूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। चलो यहां पर मैं एक और कॉलम बना देता हूं, देखेंगे एक बार। लो एक और कॉलम तैयार, इसमें क्या लिख दिया हमने, पार्टी नेम, और यहां लिख देते हैं सेल और रिटर्न। ये क्यों बनाया है वो भी देख लेंगे अब हम। 16 मार्च को क्या हुआ था, वाई कंपनी ने वापस कर दिया सामान 15,000। तो इससे तुम्हें पता लग गया कि वाई का पैसा खत्म, मतलब वाई से कोई पैसा नहीं लेना। फिर अगली डेट आएगी 16 के बाद 17 तारीख, 17 की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, डब्ल्यू ने 2,000 रुपये का सामान 20 तारीख को वापस दे दिया। तो हम क्या मान के चलेंगे, डब्ल्यू ने 20 मार्च 2014 को क्या किया, डब्ल्यू कंपनी ने 2,000 का सामान वापस कर दिया और शायद 10,000 रुपये का सामान उसने रख लिया। ठीक है, आगे, वाई कंपनी ने 20 तारीख को 16,000 का सामान भेजा वाई कंपनी को। तो यहां पर लिखेंगे 20 मार्च 2014 वाई कंपनी को कितने का सामान भेजा है हमने, अमाउंट देख लेते कितना था, 16,000 रुपये का। ठीक है बेटा, अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि सर 12,000 का हमने सामान भेजा जिसमें से 2,000 रुपये रिटर्न कर दिए, क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि बाकी कहाँ गए, बेटा जब उसने 2,000 का सामान वापस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमने पूछा होगा भाई बाकी सामान, उसने वही जवाब दिया होगा कि रख लिए, वरना फिर अगर उसको वापस करना तो सारे कर देता, थोड़े बहुत नहीं करता। क्लियर पॉइंट, ओके। आगे देखते हैं 20 तारीख के बाद की डेट, 16,000 का सामान दिया है इसने, 23 को रजामंदी दे दी कि मैं रख रहा हूं। तब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अगली डेट हमारी 23 मार्च 2014 को डब्ल्यू कंपनी ने, सॉरी वाई कंपनी ने 16,000 का सामान रख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं 23 के बाद क्या डेट आ रही है। बेटा नेक्स्ट डेट हमारी है 25 मार्च। बेटा 25 मार्च को हमने एक्स कंपनी को कितना सामान भेजा, 11,000 का सामान भेजा। ठीक है, और उसने 28 मार्च को रिटर्न कर लिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात, हमने 15 दिन का टाइम पीरियड दिया और इसका 15 दिन कब खत्म हो रहा, 25 मार्च को खत्म हो रहा 15 दिन। तो हम क्या मान लेंगे, इसको सेल मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे क्या बोला हुआ था कि अगर कोई बंदा 15 दिन में सामान नहीं देता तो उसको क्या मान लोगे, सेल मान लोगे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ा, एक पहले 25 मार्च 2014 को हमने किसको सामान भेजा था, एक्स कंपनी को 11,000 रुपये का, एक्स कंपनी को 11,000 रुपये का, और 25 मार्च को हम क्या करेंगे, एक्स कंपनी के नाम से
10,000 की सेल मान लेंगे, जो ये वाले कंडीशन की सेल थी जिसके 15 दिन पूरे हो जाते, उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बात, इस 25 मार्च के गुड्स को उसने अप्रूव कब किया है? 28 मार्च को, यहां भी लिखेंगे 28 मार्च, कितना? 11,000 रुपए का। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब समझ आ गया आपके बात। नेक्स्ट, 30 मार्च को हमने इसको 13,000 का सामान दिया और उसने कोई इंटीमेशन नहीं दी 31 तारीख तक, तो यहां लिख देंगे हम 30 मार्च 2014 किसको दिया था? डब्ल्यू कंपनी को। कितने का सामान दिया हमने? 13,000 रुपए का, और यहां पर कोई इंटीमेशन नहीं दी, यही छोड़ देंगे। तो यहां पर जो हमारा पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। तो फटाफट से हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो भाई टोटल कितने का सामान भेजा था आप लोगों ने? 77,000 का, जिसमें से अप्रूव कितना हुआ है? 47,000 रुपीज का अप्रूव हो गया है, और 17,000 रुपए के। क्लियर होगी बात। अब अगला उसने क्या बनाने को बोला हमें? सेल और रिटर्न अकाउंट, तो इसकी बात करेंगे हम फटाफट से। आइए बच्चों, फटाफट से हम अकाउंट बनाते हैं। यहां बना लेते हो अकाउंट, तो लिखेंगे हम गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इसके बच्चों बनेंगे 4 कॉलम, ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फटाफट लिखेंगे हम इसके अंदर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब देखेंगे ध्यान से, 77,000 की सेल करी थी मैंने, आपको बताया था ट्रांसफर होता है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो सेल हुई है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो परचे ये रिटर्न हुआ है तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने लिखा टू सेल 47,000, टू रिटर्न 17,000, डेट क्या आ जाएगी? 31 मार्च 2014 की। यहां लिखेंगे 31 मार्च 2014 बाय गुड्स सेंट ऑन सेल, और ये किससे आया है ट्रांसफर? रिटर्न डे बुक से। ये किससे आए हैं? रिटर्न इनवर्ट डे बुक से, ठीक है। तो यहां पर अमाउंट कितना आ गया, ये तो पहले लिख दूर हमसे 70 और ये 77। अब डिफरेंस निकाल लेंगे, जो बच जाएगा वो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, और हमें पता लग जाएगा कितने लोगों से ये पैसा लेना है और कितने लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो 13,000 रुपए का बैलेंस बच गया जिन लोगों से हमें अभी पैसा लेना है, और वो कौन था? डब्ल्यू कंपनी के, ठीक है। तो बच्चों ये था मेरा थर्ड मेथड, जिसमें ये बहुत आसान मेथड है, यहां पर हमने दो डे बुक को कंबाइन कर दिया। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये सेकंड मेथड से होता, सेकंड मेथड क्या था? मल्टी कॉलम सेल्स और रिटर्न लेजर। क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में छप चुका है, मैं फटाफट से बनाता हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। अगर ये सेकंड मेथड से होता, मैं लिख देता हूं यहां पर सेकंड मेथड, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले बनेगा डेट का कॉलम, ये ऐसे करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम, सबसे पहले बनेगा कितने लोगों को सामान भेजा, सबसे पहले बनेगा कितने लोगों को सामान भेजा, भेजने का कॉलम, फिर बनेगा कितने लोगों से वापस आया, फिर बनेगा कितने लोगों ने रजामंदी दी, और लास्ट में बनेगा बैलेंस का, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले बनेगा डेट, फिर बनेगा पार्टी नेम अमाउंट, डेट पार्टी नेम अमाउंट, डेट पार्टी नेम अमाउंट, इसमें सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनेगा,
तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले सेंट ऑन अप्रूवल, फिर बनेगा गुड्स रिटर्न, फिर बनेगा गुड्स अप्रूव्ड, फिर बनेगा बैलेंस। डेट मैं पीएन लिख रहा हूं, पार्टी नेम अमाउंट, डेट पार्टी नेम अमाउंट, डेट पार्टी नेम अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं और देखेंगे फटाफट क्या हुआ। तो देखो ये सारा उठा के ना सेंट में लिख देंगे, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च और 30 मार्च। एक्स कंपनी, वाई कंपनी, डब्ल्यू कंपनी, फिर वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू, अमाउंट 10,000, 10, 15, 12, 16, 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000, 13,000। उसके बाद जो बिक गए हैं, बिके कौन कौन से हैं, 20 तारीख को बिका W का, तो यहां लिख देंगे। अच्छा पहले रिटर्न का देख लेते हैं, रिटर्न यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बना हुआ है। 16 तारीख को रिटर्न आया और 20 तारीख को रिटर्न आया, तो 16 मार्च किसने रिटर्न किया, 16 मार्च को वाई कंपनी ने रिटर्न किया है, तो वाई कंपनी 15,000 रुपए। 20 मार्च को डब्ल्यू कंपनी ने 2,000 का रिटर्न किया है और 20 मार्च को डब्ल्यू कंपनी ने 10,000 का एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, उसके बाद डेट आई मेरी 23 मार्च को वाई कंपनी ने 16,000 का एक्सेप्ट किया है। 23 मार्च को वाई कंपनी ने 23 मार्च को वाई कंपनी ने 16,000 का एक्सेप्ट किया है। फिर 25 मार्च को इसने कोई इंटीमेशन नहीं दी थी, तो एक्स कंपनी के 10,000 रुपए का अप्रूवल आ गया। फिर 28 मार्च को इस 11,000 का अप्रूवल दिया किसने, एक्स कंपनी ने, और इसने कोई जवाब नहीं दिया, तो सीधा 13,000 रुपए बैलेंस में लिख के छोड़ देंगे। अगर चाहते हो तो यहां पर भी बना सकते हो, डेट पार्टी नेम और अमाउंट, जिसका बैलेंस है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इसको भी टोटल करके देख लेते हैं, यहाँ पर ही पॉइंट खत्म हो गया इस कॉलम का। इसको टोटल करोगे 77,000 आएगा, रिटर्न को टोटल करोगे 17,000 आएगा, इसको टोटल करोगे 47,000 आएगा और इसको टोटल करेंगे 13,000 आएगा। तो इससे क्या पता लगा, 77,000 के गुड्स थे, 17 के रिटर्न आ गए, 47 के सेल हो गए और 13,000 बैलेंस बच गए। ठीक है बच्चों।